खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्नाव में यूट्यूब देख एटीएम को काटकर लूटने वाले दो शातिर लुटेरों को दही थाना पुलिस ने वारदात को अंजाम देते समय गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से गैस कटर समेत कई उपकरण भी बरामद किए हैं और उनके पास से करीब 3 किलो चरस भी बरामद की गई है। पकड़े गए शातिरों ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब में देखकर एटीएम लूटने का तरीका देखा था। फिलहाल दही थाना पुलिस ने दोनों शातिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई है बता दें कि दही थाना पुलिस ने दावा करते हुए बताया कि वह गुरुवार की भोर पहर पुलिस टीम आवास विकास इलाके में गश्त कर रही थी। उन्हें सूचना मिली कि एसबीआई एटीएम को गैस कटर से काट कर एटीएम में रखे पैसे लूटने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पर दही थाना प्रभारी अनुराग सिंह, दरोगा अरविंद सिंह, रामदेव प्रजापति, कृष्ण प्रताप, विजय कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। येलो लीड है, चोरी करने के गिरफ्तार गिरोह को पीछे मुझे बात करने किस तरीके से ये गिरोह को पकड़ा गया और किस तरीके से लोग चोरी कर रहे हैं। आज दिनांक 28/12 को आवास विकास थाना दही क्षेत्रांतर्गत सुबह 4:30 बजे एक्स मोबाइल चेक कर रही थी, उसमें दो संदिग्ध एसबीआई एटीएम जहाँ था वहाँ पे इनको देखे। इसके बाद तत्काल इन्होंने सूचना दिया और मौके पर सीयूसीटी और एसओ दही पहुँचे मौके पर और इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक अमित तिवारी हैं, थाना गंगा घाट के रहने वाले, दूसरे मनीष त्रिवेदी हैं जो मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले हैं लेकिन इस समय यहीं उन्नाव में रहते हैं। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ की गई तो इनके पास से एक गैस कटर, एक ट्राली बैग, एटीएम काटने का औजार, एक स्प्रे वर्जर, एक प्लास पेचकस, दो ग्लव्स और एक ऑक्सीजन सिलेंडर, एक सेंट्रो कार मिली है जिसपे कूटरचित नंबर प्लेट लगाया गया है और इनके पास से 2 किलो 800 ग्राम चरस भी बरामद की गई है। इनको गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, कैसे घटना को अंजाम देते थे, कैसे टारगेट फिक्स करते थे? ये चिन्हित कर लेते थे जहाँ पे इनका ये पूछताछ, इन्होंने बताया कि ये एटीएम को गैस कटर से काट करके और इनकी जो प्लानिंग थी उसमें से सारे पैसे को निकाल करके ट्राली बैग में रख करके लेके जाने की। क्या पहले भी इनके आपराधिक इतिहास है? हाँ, इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। इनके खिलाफ जो है मुकदमा 2021 में और 2018 में अमित के खिलाफ लिखा गया है गंगा घाट में और मनीष त्रिवेदी के खिलाफ लिखा गया है गंगा घाट और बारा सर्वर दो थाने में लिखा गया है। इसमें जिक्र किया गया है यूट्यूब से देखकर लोग करते थे। हाँ, इन्होंने पूछताछ में बताया कि यूट्यूब को देख करके ये लोग कैसे एटीएम को काटते हैं और किस तरह से चोरी करने के तरीके इन्होंने यूट्यूब से अपने जो है किए थे। बैंक में अलार्म की सुविधा होती है, अलार्म किस तरीके का मिला, कुछ सूचना मिली थी कि पुलिस ने जानकारी नहीं? पुलिस उस समय गश्त पे थी और वहाँ पे जो है अलार्म जो है वो भी वहाँ उनका जनरेट हुआ था, उससे भी सूचना मिली थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।